कल मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस 7 न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजू जी, उनसे वार्तालाप होगी। और आज इंडिया और एनडीए के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपको हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यस 7 न्यूज को जितने भी हमारे श्रोता पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर, जो इंडिया और एनडीए में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो दो धाराओं में चलती आ रही है। परिस्थितियां बदली 80 के बाद, लेकिन 80 के पहले जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान के आम आवाम के लिए, हिंदुस्तान के तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के आम जनमानस को विकसित करने के लिए जिस परिवार ने अपना खून, अपना जिंदगी हिंदुस्तान के लिए निछावर किया, उनका राज था हिंदुस्तान में। 80 के बाद परिस्थितियां बदलते गई, बदलना भी चाहिए, लेकिन आज हालात ऐसा हो गया 2014 के बाद हिंदुस्तान की आम जनता इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ हिंदुस्तान ध्वस्त होते गए, पैसे बदल दिए गए, बड़े बड़े पार्टियों के खाता बंद कर दिए गए, मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद कर दिए गए। सर, ऐसी राजनीति और ऐसी पार्टी देश के लिए घातक है। मैं मानता हूं, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। आपने जो सवाल किया है, जो मैंडेट उनको इसके पहले मिला था, 19 में मिला था, आज हिंदुस्तान की जनता जागरूक होकर इंडिया गठबंधन को अपना मत सरकार बनाने तक के लिए दे दी है। लेकिन इस बार की सरकार चाहे जिनकी भी होगी, मैं अपने सोच से ये आपको बताना चाहता हूं कि इस बार की सरकार काम करेगी, क्योंकि इस बार जो है पक्ष और विपक्ष दोनों दल एक समान खड़े हैं, मतलब एक जगह पे एक पिलर उधर तो एक पिलर इधर खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से। लेकिन एक बात आ रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी का एक बयान आया कि हम विपक्ष में बैठेंगे कल का, इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, राजनीति में सब कुछ सच नहीं बताया जाता है। राजनीति, राज करने की नीति जिनके पास है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है। लेकिन मेरे समझ से यदि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि दो राज्य का तो कायाकल्प होगा ही, साथ ही साथ अखिलेश जी भी। अखिलेश जी बहुत सोचे समझे सुलझे हुए इंसान हैं और मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, तो पिता का आशीर्वाद उनके सर पर है। तो ये लोग यदि मिल जाते हैं तो हिंदुस्तान का कायाकल्प तो होना ही है, एक नया चेहरा बनेगा, एक नया चेहरा मिलेगा। और जो वादा इंडिया गठबंधन ने किया है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, उन्होंने तो साबित कर भी दिया, नीतीश कुमार को बोल भी दिया कि अगर आप आ जाते हैं उप प्रधानमंत्री, एक मतलब पद, अब क्या कहा जाए, उससे बड़ा पद हो ही नहीं सकता। देखिए प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, यही समय है बदलने का। जिस राजनीति की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जहां से हुई थी, आज वह समय साबित करने का आ गया है। जिसके लिए लड़ाई लड़े, जिस गरीब गुरुआ आम आवाम के लिए लड़ाई की शुरुआत लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी ने किया, वह वक्त आज मतलब साबित करने के लिए आ गया है। समय सही है, समय सही है, निश्चित रूप से सही है। यदि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, अखिलेश यादव जी, जाप के पूर्व अध्यक्ष पप्पू यादव जी, वो भी एक हिंदुस्तान के
गरीबों की मसीहा के रूप में उनका नाम चर्चित है। अभी पप्पू यादव पे चलते हैं तो पप्पू यादव की बातें हुई तो थोड़ा सा उन्होंने अपना बिना शर्त समर्थन देने के लिए भी कह दिया है, इलेक्शन के पहले से ही कह दिया है। लेकिन उनको भी लगाकर ही पहले उनको धन्यवाद, पहले उनको धन्यवाद मैं देता हूँ। और मैं इन सभी तीन नेताओं से आग्रह करता हूँ कि हिंदुस्तान को बचाइए। और उन लोगों ने तो काम करना शुरू भी कर दिया। एक और आपसे मैं बात करूं कि सबसे पहले अगर शुरुआत काम किसी ने शुरू कर दिया तो पप्पू यादव। बिल्कुल, देखा जाए तो मतलब जबरदस्त तरीके से रोज हर रोज वो छापा कहीं कुछ काम, मतलब कल से ही दिखना उनका शुरू हो गया है। देखिए देश में अभी जो माहौल चल रहा है, चाहिए देश में जो माहौल चल रहा है अभी बनाने और बिगाड़ने की चल रहा है, सबको अपना अपना मंत्रालय की चाहिए, पद चाहिए। लेकिन पप्पू यादव जी जब से जीते हैं तब से, कल हॉस्पिटल में गए, आज विद्युत विभाग में गए, तो उनका काम जारी है। मैंने पहले ही कह दिया कि वो गरीबों की मसीहा हैं। उनका जो काम है, एक हर सांसद को होना चाहिए, एक हर प्रतिनिधि को होना चाहिए, एक विधायक को होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इस देश की सांसदों की जीतने के बाद सिर्फ अपना काम। चलिए फिर हमें माननीय श्री नीतीश कुमार पर यहाँ नहीं है, माननीय श्री नीतीश कुमार यहाँ है कि देश कैसे बचेगा, माननीय श्री नीतीश कुमार हिंदुस्तान कैसे बचेगा। बस वक्त आया है और मैं आग्रह करूंगा, यदि मेरा संवाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचता है तो मैं हाथ जोड़कर उनको विनती करता हूं, इस बार सही समय है। हिंदुस्तान का नजर आपके ऊपर है और हिंदुस्तान एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहता है। देखना बिहार के लिए अभी तक कोई बना भी नहीं है, बिहार में ये पहला वो चेहरा होंगे जिसके लिए प्रस्ताव तो काबिले तारीफ है कि बिहार को उप प्रधानमंत्री मिलेगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। और मतलब बिहारवासी पूरे मतलब पूरे दिल से खुश हैं, निश्चित बिहारवासी क्या पूरे हिंदुस्तान खुश है। खुश तो उस दिन होंगे जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपना समर्थन कर देंगे इंडिया गठबंधन। मतलब ये सही समय है, जो बोला जाता था कि पलटू चाचा, तो इस वक्त वो समय आ गया है जो वाकई जो दिखाना है इस वक्त दिखाते हैं तो सारा पिछले गुनाह माफ हो सकता है। बिल्कुल, लोगों का सर इतिहास गवाह है, देश आजाद हुआ तो राष्ट्रपति तो यहाँ बनिए गए हैं राजेंद्र बाबू, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री का सीट जो है यहाँ भी खाली था, तो ये तो अवसर है और इनके हाथ में है, ये तीन नेताओं के हाथ में है और ये लोग यदि चाहते हैं तो निश्चित रूप से इतिहास बदलेगा और यह संवाद पूरी दुनिया में जाएगा। चलिए ये थे राजू जी और इनसे बातें हुई और इन्होंने बहुत बड़ी बेवाकी से अपना बखूबी बातों को रखा और जिस तरह से मतलब जो देश का अभी जो चल रहा है, एक कहा जाए कि निर्णय की एनडीए या इंडिया, तो इस पे अब देखिए सब दारो मदार चंद्रबाबू नायडू जी पे टिका हुआ है और नीतीश कुमार जी पे। और जिस तरह से कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी, मतलब एक बिहारी सौ पे भारी, तो आज नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि एक बिहारी पूरे हिंदुस्तान